और इस चुनाव के लोकप्रिय विधायक के प्रत्याशी भाई शंकर उराव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री ढोल गोविंद दास जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती संगीता जी किसकेट्टा, विधानसभा के संयोजक श्री अरुण पानीग्रही जी, नुआगांव ब्लॉक के उपाध्यक्ष इद्रिस कोला जी, बिसरा मंडल के सभापति श्री भुवनेश्वर महतो जी, नुआगांव मंडल के सभापति श्री किशोर भोक्ता जी, पूर्णापानी मंडल के सभापति श्री धनेश्वर मिर्धा जी, जिला कृषक मोर्चा के सभापति सुखदेव प्रधान जी, राजेंद्र साहू जी, श्रीमती रीना मेहर जी, महिला मोर्चा के जिला के सचिव राजकुमार शाह जी, विकास मरकाम जी, मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण, और छत्तीसगढ़ से आपके चुनाव में सहयोग करने आए सभी हमारे नेतागण, और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इतनी धूप में 42-43 डिग्री धूप में आप सब लोग भारी संख्या में इस चुनावी सभा में आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप लोग आज हम लोगों का भी आत्मीय स्वागत किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, आप लोगों का धन्यवाद। मैं आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, आप सभी लोगों को मैं जोहार करता हूं। और हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है रायगढ़, जहां से हम 4 बार सांसद थे, आपके सुंदरगढ़ लोकसभा से लगा हुआ है, और अभी हम जहां से विधायक हैं कुनकुरी से, वो कुनकुरी विधायक विधानसभा भी आपके इस संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ है। लवाकेरा हमारा आखिरी गांव है छत्तीसगढ़ का जो आपके उड़ीसा से लगा हुआ है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध है। कुनकुरी से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सटा हुआ है, और पहले हम लोगों का देवभोग है छत्तीसगढ़ में, आपके यहां जो पूरी धाम में महाप्रसाद जो बनता है, पहले वहां का चावल आता था, आज पता नहीं आता है कि नहीं, वहां का चावल, इसलिए वो जगह का नाम देवभोग पड़ा, वहां का चावल आपके पूरी धाम में महाप्रसाद बनने के लिए आता था, और भगवान जगदीश जगन्नाथ भगवान आज छत्तीसगढ़ में भी उतने ही पूजनीय हैं। आज हमारे विधायक जी रायपुर में जगन्नाथ मंदिर बनाए हैं पुरंदर मिश्रा जी, और जब रथ यात्रा होती है तो 15 दिन तक हमारे छत्तीसगढ़ में भी गांव-गांव में रथ यात्रा होती है, तो इतना आत्मीय संबंध छत्तीसगढ़ का उड़ीसा से है। और मैं क्षेत्र में बहुत बार आया हूं, शंकर भाई हैं, जब मैं केंद्र में मंत्री था 2014 से 19, स्टील मंत्री माइंस भी हमारे पास था, तो हम बीरमित्रापुर आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और आपके जो इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं शंकर भाई, बहुत दिल्ली आते थे समस्या को लेके, उस समय शायद आप पूर्व विधायक थे, हम विधायक भी नहीं थे, पूर्व विधायक थे, लेकिन उस समय भी क्षेत्र की जनता का चिंता करते थे। बीरमित्रापुर का जो माइंस वगैरह बंद पड़ा था, वहां कई वर्षों से पैसा वैसा नहीं मिला था, वो सब के लिए दिल्ली आए थे, और वो सबका समाधान हम लोग किए थे, तब से आपके क्षेत्र में हमारा आना जाना लगा है।
और आज तो हम ये आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि अभी का ये जो लोकसभा का चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? सहमत है ना? तो हाथ उठाइए दोनों हाथ, माता जी लोगों की तरफ से भी चले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो गरीब है वही गरीब का दुख तकलीफ को समझेगा, जानेगा, है कि नहीं? और इसलिए मैं मोदी जी के विषय में जिक्र कर रहा हूं। आज पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। 10 साल उनका काम को देखे हैं ना आप लोग? 10 साल गरीबों के लिए काम किए हैं ना? गरीबों को पक्का का मकान देने का काम